हम लोग कक्षा 11 में जो है रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में हम लोग जो है कुछ बातें पढ़े भी हैं, जैसे हम लोग जो है समस्थान एक संभारी सम न्यूट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक आइसोडाइफेरस इन सभी के बारे में जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो आगे हम बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल के विकास के लिए महत्वपूर्ण खोज है। थोड़ा सा उसमें आप ध्यान से अगर देखें तो प्रारंभिक परमाणु मॉडलों के निरस्त होने के पश्चात जो परमाणु मॉडल थे प्रारंभिक, जैसे टॉमसन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ये परमाणु मॉडल थे जो निरस्त कर दिए गए हैं। तो परमाणु में अवयवी कणों की स्थिति की को निर्धारित करने हेतु विभिन्न अवधारणाएं विकसित की गई और इस अवधारणा के आधार पर बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया है। और उस परमाणु मॉडल में जो है ध्यान से देखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति, तरंग प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं। सन 1870 में जेम्स मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था, भौतिक शास्त्री थे, ये विकिरण की तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हुए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। मैक्सवेल के द्वारा जो दिया गया है तरंग सिद्धांत वह विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं इसको। और उसमें पहला ये है कि स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा सतत रूप से तरंगों के रूप में होती है, जो भी किसी स्रोत से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो वह तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, उनका कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में दोनों ओर जुड़ी हुई रहती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में ये दोनों ओर क्या होती है जुड़ी रहती है, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं, ये दोनों क्षेत्र जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हैं ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के क्या करते हैं लंबवत दोलन करते हैं या घूमते हैं, तरंग दिशा के भी लंबवत होते हैं। स्रोत से उत्सर्जित तरंगों का वेग जो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है अर्थात 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जो प्रकाश का वेग भी है इनको भी हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। ये किरण यानी ये विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकती है, अंतरावकाश में विद्युत आवेश के त्वरण से उत्पन्न जो एक तरंग को जो है लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के आवर्तीय संचरण में या आवर्तीय परिवर्तन से संचरित होती है विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती है। अब जैसे हम तरंग दैर्ध्य क्या होती है पहले तो ये जाने, पहले तरंग क्या है उसके बारे में जाने। तो तरंग दैर्ध्य के बारे में जैसे हम देखें ध्यान से, तरंग की बात ये है कि विक्षोभ जो हो रहा है, विक्षोभ जैसे मान लीजिए कि आप एक रस्सी यहाँ पर जो है एक दीवार है उस दीवार में कील लगाइए और कील में एक रस्सी को बांध दीजिए, ये रस्सी को आपने बांध दिया, इस सिरे से आप क्या करें थोड़ा सा झटका दें, जब झटका देंगे तो ये जो है आवर्त रूप में ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, इस तरह से ये बढ़ेगी। तो ध्यान से देखें दो श्रृंगों ये ऊपर वाला जो उठा हुआ भाग है ना इसको हम श्रृंग कहते हैं, क्या कहते हैं श्रृंग, इनको क्या कहेंगे श्रृंग, इनको श्रृंग कहते हैं और इनको क्या कहते हैं गर्त, सॉरी इनको क्या कहेंगे गर्त। ऊपर जो उठा हुआ है उसको हम श्रृंग कहते हैं और जो नीचे दबा हुआ है उसको क्या कहेंगे गर्त। कभी कभी तरंगें जो है संपीड़न और विघटन के रूप में भी आगे बढ़ती है, जैसे कभी कभी संपीड़न का मतलब होता है बहुत पास पास हो और जहां पर बहुत दूर दूर हो, ये जो संपीड़न है क्या कहलाता है संपीड़न, ये संपीड़न है और ये क्या है विरलन है, ये आपका संपीड़न यानी बहुत पास पास हो तो संपीड़न और विरलन, तो दो संपीड़नों और दो विरलनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य, या दो श्रृंगों एक श्रृंग आपका ये है और ये इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा के द्वारा, या दो गर्तों ये भी गर्त आपका है तो दो गर्तों और या दो श्रृंगों के बीच की दूरी को या दो संपीड़नों और दो विरलनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक। आवृत्ति क्या होती भाई, तरंग संचरण के दौरान तरंग के किसी बिंदु से एक सेकेंड में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या, ध्यान से देखेंगे आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति तो एक बात ये भी होती है, आवृत्ति को हम जो है
न्यू से दर्शाते हैं। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, इसको हम किससे दर्शाते हैं, न्यू से, और न्यू बराबर होता है 1/T, यानी कि हम कह सकते हैं आवृत्ति जो आवर्त काल के व्युत क्रमानुपाती होती है। या दूसरी बात आप ये भी याद करें, किसी तरंग में मूल अक्ष से श्रृंग, सॉरी, तरंग संचरण के दौरान तरंग के किसी बिंदु से एक सेकेंड में गुजरने वाली तरंगों की कुल जो संख्या होती है वह उसका क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू बराबर हो सकता है 1/T। टी क्या है, आवर्त काल है। टी क्या है, आवर्त काल है आपका। आवर्त काल क्या होता है, किसी तरंग द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में, किसी तरंग को एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। और ये आवृत्ति जो होती है आवर्त काल के व्युत क्रमानुपाती होती है। अब हम बात करते हैं आयाम की। आयाम क्या होता है, थोड़ा सा यहां पर देखेंगे। आयाम ये जो है, ये मूल अक्ष से, ये मूल अक्ष आता है मान लीजिए, और इससे अधिकतम जो विस्थापन, अधिकतम जो श्रृंग आपका गया ऊपर या अधिकतम नीचे गहराई जो होगी, इसको हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करेंगे। किसी तरंग में मूल अक्ष से श्रृंग या गर्त की ऊंचाई या गहराई को हम क्या कहते हैं, आयाम, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आयाम का मात्रक जो सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है। किसी तरंग दैर्ध्य तथा आयाम को निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता, यानी आयाम और उसके जो है प्रकाश की तीव्रता के बीच जो है एक संबंध है जिसको निम्न सूत्र के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता को आई से हम प्रदर्शित करते हैं और आयाम को किससे, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आयाम उतना ही अधिक होगा जितनी की इसकी क्या होगी, ये आपकी प्रकाश की तीव्रता होगी। यानी प्रकाश की तीव्रता का जो वर्गमूल होता है आयाम के क्या होता है, अनुपमानुपाती होता है। अब वेग की बात करते हैं। वेग क्या है, तरंग संचरण के दौरान किसी तरंग द्वारा एक सेकेंड में, तरंग संचरण के दौरान किसी तरंग द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी को तरंग का हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसे हम सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो सकता है। अब देखिएगा ध्यान से, प्रकाश का वेग आवृत्ति, यानी कि तरंग के वेग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच क्या संबंध होता है, तो ये ध्यान से देखेंगे। सी बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा, ये जो आपकी आवृत्ति है, ये तरंग दैर्ध्य है, और ये क्या है, प्रकाश, यानी प्रकाश का वेग है। तो हम इसको जो है न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, सी बटे क्या लेमडा भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, यानी कि तरंग का जो वेग होता है वह सी से हम प्रदर्शित करते हैं, और सी इक्वल टू होता है न्यू इंटू क्या लेमडा, यानी तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का जो गुणनफल होता है वह तरंग के वेग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवृत्ति जो होती है तरंग के वेग और तरंग दैर्ध्य के अनुपात के बराबर होती है। अब तरंग संख्या कह रहा है कि किसी तरंग में इकाई दूरी में उपस्थित कुल तरंगों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। कराई की इकाई दूरी में उपस्थित तरंगों की जो कुल संख्या होती है उसकी तरंग संख्या कहलाती है। तरंग संख्या को न्यू पर बार लगाकर हम प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू पर बार इक्वल टू होता है 1/λ, न्यू पर बार इक्वल टू होता है 1/λ लिख देते हैं। ये जो है तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है। अब यहां से हम लेमडा का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो लेमडा का अगर मान निकाल दें तो ये लेमडा इक्वल टू हो सकता है क्या, सी बटे न्यू। तो सी बटे न्यू को आप यहां पर रखेंगे तो न्यू पर बार इक्वल टू हो जाएगा ये न्यू बटे क्या सी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है तरंग संख्या की गणना कर सकते हैं। आगे इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे और हल करके हमको बताएंगे कि आपको कौन कौन से प्रश्न जो नहीं आए हैं, चेक पॉइंट भी आपको दिया है। अब एक बात हम बात करते हैं
विद्युत चुंबकीय विकिरण की कण या प्रकृति के बारे में तो देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वे दो प्रकार की प्रकृतियों का आभास कराती हैं, एक तो कण के बारे में भी बताती हैं और दूसरी तरंग के बारे में। एक कण के बारे में भी बताती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वे कणों यानी कण की और तरंग दोनों की व्याख्या करने के लिए बताई जाती हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कृष्णिका विकिरण के बारे में। कृष्णिका विकिरण क्या है, ध्यान से देखेंगे। कृष्णिका विकिरण का मतलब है कि ये कोई सतह है जो पूर्ण रूप से काली है। कैसी है, पूर्ण रूप से काली है और इस पर जितना हम विकिरण डालते हैं उतना ही वह उत्सर्जित कर देती है। तो इस पृष्ठ को हम आदर्श कृष्णिका कह सकते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे आदर्श कृष्णिका तो हम इसको कह लेते हैं। अब कह रहा है कि वह कृष्णिका जो प्रत्येक प्रकार के विकिरणों का पूर्णतः उत्सर्जन तथा अवशोषण करती है उसे हम आदर्श कृष्णिका कहते हैं। कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को हम क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण कह सकते हैं। अब प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम प्लैंक क्वांटम था, उस उन्हीं के नाम पर जो उनके सिद्धांत का नाम जो है क्वांटम का सिद्धांत रखा गया है। इस क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है ये बताया गया है कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन असतत रूप से या ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। ऊर्जा के इन पैकेटों को हम क्या कह सकते हैं, क्वांटा कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटम में निश्चित मात्रा में ऊर्जा निहित होती है। प्रकाश ऊर्जा के एक क्वांटम को एक फोटॉन यानी प्रकाश ऊर्जा के एक क्वांटम को हम क्या कहते हैं, एक फोटॉन कहते हैं। किसी यानी कि विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। विकिरण जो होती है ऊर्जा के क्या होती है, ऊर्जा की आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी कि विकिरण अगर मान लें कि ऊर्जा आपका ई है और इसकी आवृत्ति क्या है, न्यू है, तो इनके बीच जो अनुक्रमानुपाती का जो संबंध होता है, ये जो ऊर्जा जो यानी विकिरण जो ऊर्जा है वह उसकी आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाए, समानुपाती का यदि हम चिन्ह हटा दें तो ये जो है आपका ई बराबर हो जाएगा एच न्यू हो जाएगा। इसको जो है हम क्या कह सकते हैं, एक फोटॉन कह सकते हैं। जहां पर एच क्या प्लैंक नियतांक है, एच का जो मान होता है 6.626 और बड़े 10 के पावर में क्या होता है, 34 होता है। ये जो है एच का मान है। अब देखेंगे थोड़ा सा, जैसे हमने ई बराबर एच न्यू लिख दिया है तो न्यू इज इक्वल टू आप यहां से भी पुट कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो ई बराबर हम जो है न्यू के स्थान पर लिख दें एच सी अपॉन क्या, लैम्डा। इस सूत्र के द्वारा भी हम जो है लैम्डा, लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य और उसके वेग के बीच जो संबंध यानी उसके द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब किसी निश्चित आवृत्ति वाले विकिरण को धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। उनको उत्सर्जित होने में कोई समय नहीं लगता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है वे कौन सी धातुएं हैं जिनके ऊपर विकिरण से जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो वे आपकी धातुएं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये ऐसी धातुएं हैं जिन पर जो है क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण गिरते हैं और तुरंत उनको जो समय नहीं लगता है वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में अगर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम है यानी कि उनकी आवृत्ति बहुत कम है, तो जब बहुत कम है जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता है तो उसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसको भी जीरो से हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे प्रकाश विद्युत द्वारा कुछ परिणाम निकले हैं, उन परिणामों के बारे में आप देख लें। जब धातु की सतह पर प्रकाश विकिरण टकराते हैं
तो उसी समय इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अर्थात प्रकाश विकिरणों के टकराने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय अंतराल नहीं पाया जाता है। अर्थात जैसे विकिरण गिरेगा वैसे तुरंत जो है आपको क्या होंगे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा। धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर, यानी तीव्रता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, तीव्रता कम होगी तो उत्सर्जन कम होगा। अब देखेंगे परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि आवृत्ति जो होती है यानी कि जो आवृत्ति उसकी है, देखिए तीव्रता और आवृत्ति में अंतर है। आवृत्ति जो होती है अगर परिवर्तित हो जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तीव्रता अगर बढ़ती है और घटती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसका जो प्रभाव पड़ सकता है। अब कह रहा है कि धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग या गतिज ऊर्जा आपतित होने वाले प्रकाश किरणों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात आवृत्ति यदि घटती है और बढ़ती है विकिरण की तो इलेक्ट्रॉनों का वेग घट और बढ़ सकता है, लेकिन उनकी संख्या परिवर्तित नहीं होती। प्रत्येक धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति, प्रत्येक धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति वाले विकिरण की आवश्यकता होती है, जिसको हम देहरी आवृत्ति कहते हैं, जिसको हम V0 या U0 से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अब यदि जो है न्यू का मान जो है U0 से अधिक होगा तब तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, अन्यथा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा। लिखा है उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा उपस्थित रहती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्षेत्र द्वारा या परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा जो है आपतित किरण की आवृत्ति के साथ क्या होती है, यानी आपतित किरण की आवृत्ति यदि बढ़ेगी तो उनकी ऊर्जा भी क्या होती है बढ़ जाती है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है उसकी गणितीय व्याख्या के बारे में देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो है आपका E बराबर आपको हमने अभी बताया है कि H न्यू होता है, तो ये ध्यान से देखेंगे एक जो फोटॉन होती है यानी कि H न्यू जो होती है वह जो है H न्यू 0 और प्लस 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी, आप ये इसको के ई भी लिख सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी के जो है क्या होती है योगफल के बराबर होती है। उनकी गतिज ऊर्जा और न्यूनतम फोटॉन की ऊर्जा का योगफल जो होता है उनकी ऊर्जा के, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए इतनी ऊर्जा की या गति करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम के ई बराबर यदि लिखें तो के ई बराबर लिख सकते हैं क्या है, ये जो है एच न्यू माइनस हो जाएगा, एच न्यू 0 हो जाएगा। अगर के ई बराबर हम लिखते हैं तो ये आपका एच कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका न्यू माइनस न्यू 0। अब जो है न्यू के स्थान पर और न्यू 0 के स्थान पर भी हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे ध्यान से आप देखेंगे, न्यू बराबर आप लिखेंगे एक या सी बटे आप लिख दें, सी बटे क्या लिखें लेमडा, तो ये न्यू 0 बराबर हम लिखेंगे सी बटे लेमडा क्या 0, यानी ये देहरी तरंग दैर्ध्य है, ये क्या हो जाएगा देहरी तरंग दैर्ध्य। तो के ई बराबर हम लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं और सी बटे ये लेमडा और माइनस 1/2 या सी बटे लिख सकते हैं क्या लेमडा ये 0। अब सी कॉमन लेते हैं तो के ई बराबर लिख सकते हैं एच सी और 1/2 क्या लेमडा और माइनस 1/2 लेमडा 0, ये जो है हमें प्राप्त हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस समीकरण में जो है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कराए कि इसको आइंस्टीन की जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं,
उसमें एच जो है आपका क्या है प्लांकीयतांक है, सी क्या है ये तरंग का वेग है, और लैम्डा जो उसकी तरंग दैर्ध्य है, और ये काइनेटिक एनर्जी है। अब जो है हम लोग जो है क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अस्त्रों के लिए जो है परमाणु उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप हल करो, और जो भी प्रश्न नहीं आता है वो बताओ हमको। धन्यवाद।